हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद मेकअप लुक। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेकअप में मैं सबसे पहले टोनर यूज़ करूँगी, क्योंकि मेकअप करने से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। सो टोनिंग बहुत ज़रूरी है मेकअप करने से पहले। सो टोनर करने के बाद मैं यूज़ करूँगी हिमालय का मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र को बहुत ही हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और जेंटली मसाज करूँगी। नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है, प्राइमर हमारे स्किन का बेस होता है ना, तो प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। प्राइमर को कभी स्किप नहीं करना चाहिए मेकअप करने से पहले। अगर आप चाहते हो कि आपका स्किन आपका फाउंडेशन, आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखे तो। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी, मेवलिन न्यूयॉर्क का सुपरस्टे फाउंडेशन है। सो फाउंडेशन को कभी भी यूज़ करने से पहले सेक करके यूज़ करना चाहिए। फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। आप अगर चाहते हो तो आप डॉट डॉट करके भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं एक ब्यूटी स्पॉन्ज लेके अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि फाउंडेशन ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैं मेवलिन फिटमी का कंसीलर लेके अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी, मतलब जहाँ जहाँ मेरा फेस हाईलाइट दिखना चाहिए। उसके बाद थोड़े से कंसीलर को मैं अपने आईलिड पे भी अप्लाई कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं कंटूर के लिए कंटूरिंग स्टिक ले रही हूँ NYV का। इसके हेल्प से मैं अपने यूजुअल कंटूरिंग एरिया को कंटूर कर लूँगी। ब्लेंडर की हेल्प से ऊपर की डायरेक्शन में इसको ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का सेटिंग पाउडर ले रही हूँ। जिधर जिधर जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया था उसको सेट कर दूंगी। नेक्स्ट एक पाउडर ब्रश की हेल्प से जितने भी एक्सेस है उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट मैं क्लेमी के ब्लशर पैलेट से क्रीम कंट्रोल किया था उसको सेट कर लूँगी, पाउडर कंट्रोल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं एक स्पूली की हेल्प से अपने ब्रो को कॉम कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ADS के ब्रो पाउडर से अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। अपनी मतलब जितना सेप है वैसे ही, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जितना आपका आईब्रो का सेप है उतना ही कर लेना है। आईब्रो को बहुत अच्छा सेप दे देना है। इसके बाद हम आ जाते हैं आईशैडो की तरफ, जो कि काफ़ी सिंपल और सटल होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का फायरवर्क आईशैडो पैलेट। तो सबसे पहले लाइट पर्पल शेड लेके क्रीज पे अप्लाई करने के बाद उसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है। आईशैडो ब्लेंड करने से आई मेकअप बहुत ही सुंदर होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क पर्पल लेके उसके ऊपर ही ब्लेंड करूंगी। ब्लेंड करने के बाद सेम पैलेट से वाइट सिमरी ग्लिटर शेड लेके अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी।
नेक्स्ट मैं लैक्मे का आईलाइनर यूज़ करूँगी। आईलाइनर बहुत ही बेसिक रखा है। नेक्स्ट मैं सेम पर्पल कलर लेके अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूंगी। नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन का मस्कारा अब यूज कर रही हूँ, इससे अपने लेसेस को कोट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं लेसेस अप्लाई कर लूंगी, लेसेस को बीच से कट करके लगाऊंगी, इससे बहुत ही सुंदर लुक आता है। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट क्लिमी के सेम ब्लशर पैलेट से ब्लश और हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी। हाइलाइटर अपने यूजुअल प्लेसेस पे, मतलब जहां हाइलाइट दिखना चाहिए वहां वहां यूज कर लूंगी। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर स्प्रे लगा लूंगी, जिससे आपका मेकअप फिक्स हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। फिर मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको थोड़ा, एंड हियर इज द कंप्लीट लुक। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बिगिनर्स टीनेजर्स हैं तो जरूर क्रिएट कीजिएगा ये, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक से कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।